नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ। आज की अपडेट आपको हम जालंधर से बता दें। महाराष्ट्र से शिवसेना बाल ठाकरे, राष्ट्र संगठन पहुंचे जालंधर। विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति की स्पष्ट। शिवसेना बाल ठाकरे के राष्ट्र संगठन अशोक तिवारी जी की ओर से पंजाब का दौरा किया जा रहा है, जिसके चलते आज अशोक तिवारी की और जालंधर में शिवसेना ने पंजाब प्रेस क्लब में कार्यकारी पंजाब प्रधान हरीश शिंगला की अगुवाई में प्रेस वार्ता की गई। अशोक तिवारी जी की ओर से मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति स्पष्ट की गई और साथ ही पंजाब में चुनाव आयोग से बिना मान्यता प्राप्त चल रही नकली शिवसेनाओं को बंद करवाने के लिए रणनीति बताई गई। इस मौके पर रमन बकरेरा पंजाब प्रधान युवा, कपिल वर्मा पंजाब प्रधान स्पोर्ट्स सेल, नरसेम चंद सोनी गर्ग मोहाली पंजाब उप प्रधान, लाहौरी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता राजीव धामी के साथ सतीश कश्यप की रिपोर्ट। उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा पंजाब में होने वाले 2022 के चुनाव के संबंध में हमारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए है। हम अपने स्थिति का आकलन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम तैयारी करके हमारे पक्ष प्रमुख के पास ले जाके देंगे और फिर वहां से जो आदेश होएगा उसका हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। इसी संबंध में हमारा ये पंजाब का दौरा है। अलग होता है तो पंजाब का प्रभार जो है वो अभी किसी के पास नहीं है और जो पंजाब के राज्य प्रमुख है वो योगराज शर्मा जी। अभी पंजाब में कोई और नियुक्ति नहीं की है बस साहब? नहीं, बहुत सारी उनकी केंद्रीय कमेटी है तो सारे लोगों की नियुक्ति किया है ऐसा नहीं है, लेकिन आपने प्रमुख पूछा है इसलिए मैंने प्रमुख का जवाब दिया। पूरी कमेटी है, 21 लोग है पूरे कमेटी में, ऊपर राज्य प्रमुख है, महासचिव है, 23 जिलों में है, तो उस हिसाब से काम है और बड़ी जिम्मेदारियां हैं लोगों के पास। कितने जिलों से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हो? आप इलेक्शन लड़ने के लिए जिले नहीं बांटे हमने, हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं। जिस जगह पे हम लड़ने के लायक होंगे हम वहाँ पे लड़ेंगे। नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं, अभी तो हमने आज तीसरा दिन है, हमारा शुरुआत है। एक हफ्ते 10 दिन के बाद अगले बार जब हम आएंगे तो हम निश्चित तौर पर आपको पूरा फिगर लेके आएंगे। हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं इन जगहों पे और ये हमारे चुनाव के प्रभारी होंगे, इनकी देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपको एक आध महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट हम देंगे। अच्छा, एक तिवारी जी आपने लिखा है जो पंजाब में सारी नकली शिवसेनाएं बंद करवाई जाएगी, इस पर क्या विचार? दरअसल में ऐसा है कि जो हमारे साथ में ही थे पुराने हम लोगों से पहले थे और किसी कारणवश जो हमारे संगठन का काम नहीं किए या हट गए जानबूझ के स्वार्थ पर, उन लोगों ने शिवसेना मतलब हमारी शिवसेना तो शिवसेना है, यहाँ खाली पंजाब में जो है इसको सामने से बाल ठाकरे का नाम देना पड़ता है, उसको भी हम लोगों को दुख होता है क्योंकि हमारी शिवसेना अकेली है और उसके सर्वोसर्वा ही बाल ठाकरे थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती।